तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें आज की क्लास के बारे में, तो पीछे दिख रहा होगा राइट पौधा। तो दोस्तों इस पौधे को अगर आप देखेंगे तो ये पौधा ऐसे ही नहीं बना, इस पौधे को भी दोस्तों जिंदगी में बहुत ज्यादा यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए तो जो स्ट्रगल होती है वही इवोल्यूशन होता है, समझिएगा, जो स्ट्रगल होती है वही इवोल्यूशन होता है, वही आपको यहाँ पे एक बैक्टीरिया से इंसान तक पहुंचाता है। आई बस समझ, थोड़ी फिलोसफिकल है लेकिन समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर यहाँ पे स्ट्रगल की गई होगी, अगर आपने अपने आप को मॉडिफाई किया होगा, तो जो कल तक आप एक बैक्टीरिया थे वही दोस्तों आपका हजारों करोड़ों साल के बाद एक इंसान के रूप में आपको दिखेगा राइट। लेकिन हाँ, हर चीज के लिए यहाँ पे अपना एक अपना एडेप्टेशन है, एक म्यूटेशन है, एक चेंज है, एक बदलाव है जो सबको लाना पड़ता है। मैम जी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग इसी बदलाव के बारे में बात करेंगे, लेकिन प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में, कि कैसे ये जो आज आपको पौधा दिख रहा है क्या वाकई में ये पहले पौधा ही था या फिर कुछ और था। अगर पौधा नहीं था तो दोस्तों उसमें क्या क्या होता है, क्या उनमें से कुछ चीजें आज भी आपकी जिंदा है, यही होता है प्लांट क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिलती है। हाँ जी, सभी का स्वागत है राइट, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो राइट, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आज के लिए आपका जो टॉपिक होगा, पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं, टॉपिक का नाम है दोस्तों आपके लिए प्लांट क्लासिफिकेशन। क्या नाम है आपके लिए? प्लांट क्लासिफिकेशन। तो प्यारे साथियों यहाँ पे अगर बात करें आपसे पौधे के वर्गीकरण के बारे में राइट, हरजन जी गुड मॉर्निंग। तो अगर मैं बात करूं आपसे पौधे के वर्गीकरण के बारे में, तो समझिएगा दोस्तों ये जो वर्गीकरण होता है ना आपके लिए, है ना, ये जो वर्गीकरण होता है, इस वर्गीकरण का सीधा सा मतलब ये है कि आखिरकार जो कल तक, सुनिएगा, जो कल तक बैक्टीरिया था राइट, ये बैक्टीरिया जो है आखिरकार कैसे दोस्तों यहाँ पे एक पौधे के रूप में आपका पहुंचा। अब यहाँ पे चूंकि अलग अलग स्टेजे थी, अलग अलग आपके इसके प्रकार थे, तो इसके अलग अलग नाम भी थे, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, कृपया केवल ध्यान से सुनते रहिएगा और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करते हुए बताते भी चलिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर सिर्फ मैं अकेले बोलूंगा तो राइट, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अकेले में बात करूं, दीवालों से बात करूं राइट। तो मुझे यहाँ पे इंसान चाहिए पढ़ाने के लिए, ठीक है, बस थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे सबसे पहली चीज, क्लास को शुरू करने से पहले, तो क्लास को शुरू करने से पहले यहाँ पे आपके लिए एक चीज है, वो है आपके लिए कि यहाँ पर अभी अगर आप बता दीजिए, अगर फाइल या वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी आपकी समस्या हो राइट, ये आप लोगों का एनडीए चैंपियन बैच है, तो अगर आपके लिए आपका टारगेट बैच है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर अगर कोई भी फाइल या वीडियो से जुड़ी हुई कोई समस्या हो तो अभी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आपके लिए, अगर आपको कोई भी समस्या हो यहाँ पे, अगर तो उसके लिए फाइल वीडियो हो गया। दूसरी चीज है रेटिंग से जुड़ी हुई, रेटिंग आपको हमेशा 4 स्टार देनी है, अगर अच्छी लगे, मतलब खूब बढ़िया मानो तो 5 स्टार देना, वरना 4 स्टार मिनिमम दे, ठीक है। किसी के लिए बात करो, नॉट जस्ट मी, मैं सबके लिए कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो बस ये दो चीजें थी जो आपको इन्फॉर्म करनी थी। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्लांट क्लासिफिकेशन का नाम सुना है, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो चीज दिखाता हूँ जिससे आप लोग आज तक भागते रहे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए एक वो आते हैं, सर हिस्ट्री की पीडीएफ नहीं है अभी तक, अच्छा अनुज मैं एक चीज बता दूं, देखो इसके लिए एक रास्ता निकाला गया क्योंकि पीडीएफ बहुत ज्यादा हो गई थी राइट। तो उसके लिए क्या किया गया है कि सर के हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपके स्टोरी में आ जाएंगे, ठीक है, वही सेम हिस्ट्री के पीडीएफ है, वही उनके हैंड रिटन नोट्स है, तो उससे आप देख सकते हो, वो आपके यहाँ पे जो है देखने के लिए होगा, ठीक है। अनुज स्टोरी कहाँ से होगी? स्टोरी जो है आपको यहाँ पे, आप एक बार सर को पूछ लेना, वो आपको बता देंगे स्टोरी कहाँ से आती है, क्योंकि स्टोरी मुझे भी नहीं पता कहां से आती है, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए कहां थे? हाँ, तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले आपको वो चीज दिखाते हैं जो यहां पे आपका एक्चुअल में आपके लिए क्लासिफिकेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे आपसे, तो आइए सबसे पहले यहां पे स्टार्टिंग ही कर देते हैं बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया बहुत छोटी सी चीज राइट। तो बैक्टीरिया दोस्तों ये वो चीज थी जो हवा में टहलता रहा, घूमता रहा राइट। फिर एक दिन इसको अचानक से पानी दिखा, तो इसने पानी में जाकर के डुबकी लगा, तो ये बन गया एल्गी। क्या बन गया आपके लिए? एल्गी। हिंदी में इसको आप लोगों ने शैवाल का नाम, तो जहां कल तक जीवाणु था हवा में, वो उसने जैसे ही पानी में डुबकी मारी वो शैवाल बन, समझिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जब ये पानी में रहा तो इसने देखा कि यहाँ पे क्यों ना एक बार, चलो फिर से आपका यहाँ पे जो है जमीन चले जाता राइट। तो जैसे ही जमीन पे गया दोस्तों, इसके खाना बनाने की आदत खत्म हो गई, ये फंगी बन गया। क्या बन गया आपके लिए? ये कवक बन गया, और ये दोस्तों आपका फिर से थल पे आ गया। देखिए हवा से पानी, पानी से थल, लगातार यहाँ पे आपके सिस्टम चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जब ये थल पे आया तो उसको एहसास हुआ कि नहीं पानी भी जरूरी राइट। तो दोस्तों ये आपका एक तरीके से, अब इसने क्या किया कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता था कि पानी में ही रह ले, तो इसने अपने शरीर को कर दिया मॉडिफाई। उसने कहा एक काम करेंगे, पानी में नहा लिया करेंगे और थल पे आके खाना खा लिया करेंगे, दैट्स इट।
थल यानी कि जमीन। तो दोस्तों इसको यहाँ पे आपका ब्रायोफाइटा के नाम से कहा गया। क्या कहा गया इसको यहाँ पे? ब्रायोफाइटा के नाम से कहा गया। ये अब आपका ब्रायोफाइटा ही रहेगा, हिंदी में इसका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ मैं इसको हिंदी में लिख सकता हूँ ब्रायोफाइटा के नाम से। ध्यान सुनते रहेगा, अभी आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक है? अभी ध्यान सुनिए। अब मैं अगर बात करूं आपसे तो दोस्तों ये जो यहाँ पे आपके ब्रायोफाइटा, तो ये तो यहाँ पे पानी और थल दोनों जगह पे रहने लग गए, ठीक है? तो वही दोस्तों फिर आपके लिए, फिर यहाँ पे जब ये पानी और थल दोनों जगह रहने लगे, उन्होंने कहा नहीं, थल पे रहेंगे तो ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, थल पे रहेंगे तो ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ यहाँ पे थल पे ही रुक गए, वो आपके लिए टेरिडोफाइटा बन गए। वो क्या बन गए? टेरिडोफाइटा बन गए। और कुछ जो दोस्तों यहाँ पे आपका टेरिडोफाइटा थे, यही आगे जाकर के राम और लखन के नाम से जाने गए, जिसको हम लोग यहाँ पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। राम बेचारा ये हमेशा जो है आपका जो है खुले में घूमता है बिना कपड़ों, राइट? तो ये बिना कपड़ों का राम है, माफ कीजिए, ये लखन है। तो यहाँ पे अब फिर सेंटिमेंट्स भी आ जाएंगे ना तुरंत ही, रिलीजियस वाले, है ना, ये भी चक्कर है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए यहाँ पर एंजियोस्पर्म, ठीक है? अब आज की क्लास में बताएं आपको, मैं पढ़ा रहा था, मेरी आवाज आ रही है तो ये बार बताए, तो मुझे लग ही नहीं रहा आज तुम लोग हो, इतनी शांति है। हाँ भाई, लगना चाहिए कि यहाँ पे जो है एनडीए के बच्चों की क्लास चल रही है। सब हैं, जय हिंद, सभी का स्वागत है भाई, है ना? हाँ, नहीं क्लियर वॉइस नहीं मुझे, बस आप लोग बताओ तो एटलीस्ट आप लोग हो, ठीक है? धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों अगर बात करें आपसे तो ये जो, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, जय। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए यहाँ पर जो राम और लखन थे, समझिएगा, लखन जो आपके राम कह दू चलेगा, ठीक है? आज हाँ क्लास में क्या हुआ, सुन क्लास में क्या हुआ कि कभी कभी बीच में जो बिहारी में पढ़ा, ठीक है? तो अब बच्चे कह रहे हैं सर आप बिहार से, ठीक है भैया, जब आपको पता है यूट्यूब है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, राइट? सब लोग जोड़ते हैं, साउथ इंडिया के भी कई बार आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपके लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो आप? कभी भी अपने को बैरियर में ना बांध, लाइफ लाइफ बहुत बड़ी है तो बहुत बड़े तरीके से जियो ना, छोटे में क्यों जियो, ठीक है? कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ये हूँ, क्या करना, समझ लो, मरना है तब भी दफ्ती लगनी है, नहीं मरना है तब भी ऐसी, एटलीस्ट जीने में तो अपने आप को उतना रखो। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे तो ये जो जिम्नोस्पर्म है ये हमेशा बिना कपड़ों के घूमने वाले बाबा हैं। कौन है? बिना कपड़ों के घूमने वाले बाबा हैं, यानी कि आपके लिए लखन, छोटे हैं ना लखन। और वहीं दोस्तों फिर जब यहाँ पे कपड़े पहन लिए गए तो कपड़े पहन के यहाँ पे आपके लिए एंजियोस्पर्म, ठीक है? अब मुझे सब लोग सिर्फ इतना बताएंगे, क्या जो मैंने अभी कहा, जो मैंने पांच नाम, इतने सारे नाम आपको गिना दिए, क्या सबको क्लियर है या नहीं? सिर्फ इतना बताइए, क्योंकि अब कुछ सवाल आएंगे, वो सवाल आपको लॉजिकली करने पड़ेंगे। मैंने अपना काम कर दिया है, ठीक है? अब आपकी बारी है, आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? सोच के दीजिएगा, ध्यान से कहो तो एक बार फिर से रिवाइज करा दिया जाए, रिवाइज करा के फिर सवाल पूछे। मैंने वो सवाल अभी ऐड नहीं, सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार यहाँ पे आप तक कितनी मेरी बात पहुंची, कपड़ों और बिना कपड़ों का मतलब क्या है? जरूर, तो देखो यहाँ पे कपड़ों और बिना कपड़ों का मतलब होता है, आप लोगों ने आम खाया, राइट? आम खाया होगा, आम कपड़े जो बीज है ना वो ढका हुआ है, लेकिन अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म में बीज ढका नहीं, कपड़े नहीं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं आप सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है? सिर्फ अब जरा ध्यान से एक बार मैं आपको रिवाइज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जो सवाल होंगे वो थोड़े से डिफरेंट हो। यहां पे दोस्तों अगर कहें तो बैक्टीरिया ये हवा में था, हवा से फिर उसने सोचा कि चलो डुबकी लगा ले, तो वो आपका काई बन, डुबकी लगा के दोस्तों पानी से फिर वो उसने सोचा कि नहीं थोड़ी देर धूप ले ली जाए, तो दोस्तों वो फंगी बन गया, आपका ऊपर आ गया। अब वो ऊपर आ गया तो उसको सबके ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा था, तो निर्भर का मतलब होता है परजीवी। फिर वो निर्भर था दोस्तों, तो वो उसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, थोड़ी देर पानी में नहा लेंगे, फिर यहाँ पे वापस थल पे आ जाएंगे, तो वो बन गया ब्रायोफाइटा, राइट? ब्रायोफाइटा दोस्तों यहाँ पे जब वो बन गया तो उसने देखा कि नहीं अब स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ, कब तक इधर उधर घूमते रहेंगे, तो उसने कहा चलो थल पे रहे, और थल पे रहा दोस्तों तो वो बन गया टेरिडोफाइटा। फिर उसने जब टेरिडोफाइटा बन गया तो दोस्तों फिर यहीं से आपके लिए दो नाम आए, राम और लखन। लखन छोटा था, बिना कपड़ों के रहता था, तो उसको जिम्नोस्पर्म कहा गया, जिसमें सीड के कोई कवर नहीं होता। वहीं एंजियोस्पर्म की अगर दोस्तों बात की जाए तो वो कपड़े पहन के घूमता है हमेशा, तो वो आपके लिए एंजियोस्पर्म के नाम से जाना। ऑल क्लियर, ठीक है? अब सवाल सुनो, सवाल देखना कितना अलग होगा लेकिन इसी से संबंधित है, बस ध्यान से बताना, मैं हिंट बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज, विच ऑफ द फॉलोइंग is known as amphibian of plant kingdom, amphibian of plant kingdom, ठीक है? तो यहां पे पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ ये रहा है कि यहां पे पौधे के जगत में, पौधे के जगत में उभयचर कौन होता है,
पौधे के जगत में उभयचर कौन होता है ये पूछा है। ठीक है, मैं आपको चार ऑप्शंस देता हूँ। ठीक है, उभयचर जानते हो, एम्फीबियन जानते हो, राइट। अगर एम्फीबियन में कंफ्यूजन हो तो पूछ ले। यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो एम्फीबियन कौन होगा, पहला ऑप्शन मैंने आपको दे दिया यहाँ पर एल्गी, पहला ऑप्शन दे दिया एल्गी से शुरू किया था एल्गी। दूसरा यहाँ पे हो गया आपके लिए फंगी, ठीक है। तीसरा हो गया यहाँ पे आपके लिए ब्रायोफाइटा। लॉजिकली सोचना बेटा, लॉजिकली, ये आपके लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा। चौथा यहाँ पे देखो, आंसर मैं बता सकता हूँ, नो डाउट, मैं हमेशा बता दूंगा, लेकिन आंसर से ज्यादा मैं चाहता हूँ आप लॉजिकल थिंकिंग से ऑफिसर क्वालिटी लाओ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, फटाक से बताना तो। हाँ शाबाश, विवेक ने एक झटके में जवाब दिया, एक झटके में, शाबाश। अब देखो, जो नाम मैं लूंगा समझ लेना लॉजिकल थिंकिंग कितनी हाई हो। ठीक है, क्योंकि तो मैंने किसी को नहीं बताया ना, अनुज का राइट आंसर आ चुका है, वंशिका बेटा का राइट आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, अक्षत का सही है, अर्जुन का सही है, कौन सा होगा सोचो, वो उधर ले जाओ, फिर अपने को दिमाग को वापस लाओ, आपको आंसर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। दो शब्दों पे ध्यान दो, एम्फीबियन पे ध्यान दो, फिर इन चार ऑप्शंस पे ध्यान दो। केवल पांच लोग सोचो, इतने सारे जुड़े हैं, केवल पांच आंसर, रजत का राइट आंसर आ चुका है, कौन सा होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए जो, हाँ हिमांशु, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए समझिएगा मैंने आपसे क्या कहा, एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है। अब सीधी सी भाषा थी, एम्फीबियन वो पौधे होंगे जो कि आपका जल और थल दोनों में रहे, जो जल और थल दोनों में रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जल और थल में कौन कौन था बताइए, आंसर मिल गया मेरे ख्याल से, उम्मीद करता हूँ सबका लगभग लगभग राइट ही होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक, इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखना, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सवाल है जो अभी आपने ऐसे किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये मतलब समझिए, ये आपने एडवांस लेवल की आपने बॉटनी पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए एक और सवाल, एक और सवाल को जरा ध्यान सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ क्या हो गया, हाँ जी मनु श्रेष्ठ, खुश रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, प्लांट किंगडम ही कहेंगे इसको, ठीक है, प्लांट किंगडम, किंगडम तो नहीं होगा, हालांकि ये आपका जो है ये ब्रायोफाइटोसोम, ये तो इसको विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैटेगरी, इसको प्लांट कैटेगरी कह सकते हैं, डिवीजन होता है एक्चुअली में, जो आप पढ़ रहे हो ना ये डिवीजन, ठीक, प्लांट कैटेगरी हैव हैव कवर्ड सीड्स, हैव कवर्ड सीड्स, झटके में दोगे आंसर, झटके में कवर्ड सीड्स आ गया। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपके लिए एल्गी, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे एंजियोस्पर्म, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, तीसरा क्या हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, चौथा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, चौथा हो जाएगा फंगी। झटके में आंसर आएगा, झटके में, तुम ऐसे दोगे ना तुम्हें लगेगा कि वर्षों से जानते आ रहे हो। ठीक है, कौन सा होगा बताओ, राइट, याद आ गए, ये याद करो आप ये याद करो कि अगर ढका है तो कपड़े पहना, तो कपड़े किसने पहन रखे, राम यानी कि जो बड़ा था, या श्याम यानी कि लखन जो कि छोटा, राइट। तो यहाँ पे प्यारे साथियों आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे आपके मोस्ट डिफिकल्ट सवाल, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, उम्मीद करता हूँ अब आप लोग कर ले जाए। ठीक है, डन है, कॉन्फिडेंस कर पाएंगे आप, ठीक है, बताइएगा। तो देखिए अब यहाँ पे कहानी को शुरू करते हैं, तो ये तो केवल बेसिक बात थी, मैं आप लोगों ने, अब आप लोग जान गए कि कौन ब्रायोफाइटा कौन टेरिडोफाइटा। ठीक, अब मैं अगर केवल आपको एक एग्जांपल दे दूं, हाँ जी जरूर, अब मैं केवल अगर आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे काई, काई अगर पानी में रहती है तो कौन सी वेराइटी, जरा बताना तो, काई ये पानी में रहती है, ये क्या है, हाँ ये क्या हो जाएगी आपकी, राइट, काई क्या हो जाएगी आपकी, एल्गी। ठीक, चलो अब यहाँ पे, अब वही जो काई थी आपकी, समझिएगा वही काई जो है आपकी, यही काई जो है आपकी, ये जो है अब आपकी मशरूम में बदल गई, मशरूम, याद करो मशरूम कहाँ होता है, कुकुरमुत्ता, क्या होगा कुकुरमुत्ता, क्या होगा, राइट, ठीक है, क्या होगा कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब क्या है आपके लिए, ये सब फंगी है, ये सब कवक है, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें अब आपसे, तो अब आपके लिए यहाँ पे टॉपिक से जरा सुनिएगा, तो आपके लिए जब भी प्लांट क्लासिफिकेशन आएगा, पहले तो तीन नामों को रिवाइंड कर लीजिए, ठीक है, ये वो यहाँ पे आपके तीन पुरोधा हैं जिन्होंने आपको क्लासिफिकेशन बताया, उन्होंने कहा कि नहीं किसी भी प्लांट को ऐसे ही मत देखो कि वो बरगद है, वो आपका पेड़ है, कुछ सिमिलैरिटीज होती है सब, और उन्हीं सिमिलैरिटीज को इकट्ठा करके इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया, राइट।
जैसे आपके एनडीए में बताएं तो आपका जो बैच बनाया जाता है, ये बैच हमेशा एज, एज के अलावा आपका एक्सपीरियंस और इसके साथ साथ आपकी एबिलिटी के अनुसार बनाया जाता है। ये तीन चीजें हमेशा आर्मी प्रेफर करेगी, तब आपका वो बैच बनेगा जिसमें आप एसएसबी देने जाओगे। मेरे साथ में हर एक लड़का जो मेरे साथ का था, लगभग लगभग हमारे जो करेक्टर से सोच थी वो बिल्कुल सिमिलर थी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए जो क्लासिफिकेशन है ये तीन प्रकार का, सबसे पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपका क्लासिफिकेशन दिया गया था वो दिया गया था आर एच विटेकर साहब के द्वारा, आर एच विटेकर। तो दोस्तों इन्होंने तो आते ही आते यहाँ पर जो है ये इन्होंने मतलब सब कुछ कवर कर, इन्होंने जो है जितने भी जीव थे, जितने भी आपके जंतु थे, सबको लिया और सबको एक साथ यहाँ पे इन्होंने जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने डिवाइड कर, तो इन्होंने कह दिया कि भैया सबको जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका डिवाइड रहेगा, ठीक है, मान लिया गया इनकी बात को। फिर यहाँ पे दोस्तों आपके लिए आते हैं एक और व्यक्ति, वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुमने पूरे का कर दिया, मैं केवल एक ले लेता हूँ, मैं केवल जीव ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को जो है दोस्तों इनको इसलिए श्रेय दिया जाता है क्योंकि इन्हीं की वजह से आज आप एक शब्द जानते हैं जिसको साइंटिफिक नेम कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके कैरोलस लीनियस ही थे, इसको थोड़ा सा क्लियर लेते हैं, यहाँ पे आपके लिए कैरोलस लीनियस ही थे जिनके द्वारा, ओ, अरे परेशानी कब खत्म, अच्छा हुआ स्टार्टिंग ही थी, आज इसको बैठ के दिखाएंगे। तो कहाँ थे, हाँ, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जो क्लासिफिकेशन है यानी कि जो वर्गीकरण होता है, ठीक है, फिर से लिखना पड़ रहा है, ये जो आपके लिए वर्गीकरण होता है, इस वर्गीकरण के अंतर्गत आपके तीन यहाँ पे आपके लिए पुरोधा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, डोंट हर्ट ये, लेकिन ये रहने तो धार्मिक हो जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए तीन सुपरमैन आए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए, तो यहाँ पे आपके लिए जो सबसे पहले थे ये थे आर एच विटेकर, ये कौन थे आपके, आर एच विटेकर, ठीक है। आर एच विटेकर जो है आपके लिए ये जो है आपके यहाँ पर इनके द्वारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने जो है आपका जितने भी जीव, जितने भी पौधे, जितने भी बैक्टीरिया, सबको डिवाइड कर डाला। तो जीव और जीव और पौधों को यहाँ पे आपका डिवाइड किया गया आर एच विटेकर के द्वारा। फिर यहाँ पे आते हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने देखा कि ऑलरेडी एक काम किया जा चुका है, लेकिन उनको ये लगा कि हो ना हो जीव भी आपस में अलग अलग, राइट। तो इन्होंने दोस्तों जितने भी जीव जंतु थे उसको यहाँ पे डिवाइड करने का यहाँ पे मद्दा लिया और इसके अलावा इन्होंने साइंटिफिक नेम भी सबको दे डाला। इनके दिए गए साइंटिफिक नेम को पौधों में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसलिए इनको यहाँ पे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये दो नाम इनको दिए गए। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और इसके अलावा फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जाना जाता है। और वहीं इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आपके लिए जाना जाता है। फिर आते हैं वो व्यक्ति जिसका आज आप पढ़ेंगे, ओसवाल्ड टिप्पो, ये सबसे छोटे बनते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो इन तीसरे सुपरमैन की, इसकी पावर जो है ये थोड़ी शांत टाइप की, राइट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पौधा ले और पौधे को इन्होंने यहाँ पे जो है आपका ये डिवाइड कर, पौधा पौधे को अगर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे आपके लिए पौधे के अंतर्गत जो अलग अलग डिविजन्स हुए उसी को आज आप लोग यहाँ पे पढ़ें। अब यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पे तीन शब्द आए हैं अब तक जिसको आपको यहाँ पे पूछना चाहिए था, ठीक है। जैसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, और इसके अलावा अगर बात करें तो ओसवाल्ड टिप्पो ने कौन सा क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो एक एक शब्द मैं आपको समझाता चलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे, कोई भी क्लासिफिकेशन हो, चाहे पौधे का हो, चाहे आपके लिए यहाँ पर किसी भी चीज का हो, तो पौधे का यहाँ पे चाहे आपके लिए क्लासिफिकेशन हो दोस्तों, यहाँ पे इसको वर्गीकरण क्या कहते हैं, इसको वर्गीकरण, ठीक है। मतलब आपने जो है इसे अलग अलग सब डिविजन में, जैसे पौधा होता है तो उसमें डिविजन होता है, फाइलम जो होता है आपका ये एनिमल्स, थर्ड नेम क्या है, क्या है कहाँ पे थर्ड नेम था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आपने उसे पूरी तरीके से डिवाइड कर। दूसरी चीज होती है दोस्तों आपके लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको बस मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पौधे की तरह अगर बात करें तो जैसे मेरा नाम, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है शशांक चतुर्वेदी, ठीक। जैसे विवेक गुप्ता, आकाश शर्मा, ठीक है, अक्षय शर्मा, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पे एक बार, और इसके अलावा जैसे अंश चौरसिया है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके दो नाम, ठीक। तो इसी दो नाम की पद्धति को हिंदी में द्वि नाम पद्धति कहा जाता है, और इसको यहाँ पे इन्होंने जो है दोस्तों आपके लिए जो एक उदाहरण दिए थे इसी को आज हम लोग आपका साइंटिफिक नेम के नाम से जानते, यही आज आपके लिए साइंटिफिक नेम कहा जाता है।
यही हो बस, दैट्स इट। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, जरा सुनिएगा, कुछ एग्जांपल देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपके लिए हो जाएगा वीट, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे जैसे वीट के बारे में, ठीक है, तो वीट का यहाँ पे जो आपके लिए जो साइंटिफिक नेम है उसको ट्रिटिकम एस्टिवम के नाम से जाना जाता है, ट्रिटिकम एस्टिवम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे सर ये तो नॉर्मल है, ठीक है, मैंने कहा ये नॉर्मल नहीं, यही तरीका है साइंटिफिक नेम को लिखने का, ध्यान दिया आपने। तो ये ट्रिटिकम एस्टिवम मैं दो तरीके से लिख सकता था, एक तो नंबर वन जैसे आपकी इटालियन लिखी जाती है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, तो एक तो ये तरीका था, ठीक है, कि सारे शब्दों को लिटा दो, तिरछा कर दो। तो अगर तिरछा कर दोगे तो डंडे की सहारा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे ये समझो कि बस ये जो है तिरछे ही रहते हैं, ये क्या है, ये तिरछे ही रहते हैं, अगर सीधे हैं तो इनको सहारा दे, दैट्स इट। ये दो नियम है आपके यहाँ पे किसी भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखने के, ठीक, अब समझिएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आपके लिए तो यहाँ पे आपके लिए दोस्तों जैसे अगर बात करें आपसे तो आप कहता हूँ इटैलिक, हाँ यस इटैलिक में आता है, इटैलिक लैटिन दोनों शब्दों में आता है एक्चुअली, कुछ देखा ना इटैलिक, तो हाँ इटैलिक, हाँ भाई इटैलिक टेढ़ा कहा जाता है, यस। तो ये रहते टेढ़े ही है, जैसे हम लोग नहीं, हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग हमेशा ऐसे करके लिखते हैं ना, राइट, ऐसे तो लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमें सीधा भी लिखना होगा तो हम इस कॉपी को टेढ़ा कर देंगे, समझ रहे हो, तो ये तरीका है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, ट्रिटिकम एस्टिव, ठीक है। इसी तरह से एक दो नाम और बताते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे तो जैसे आपके लिए यहाँ पर राइस हो, ठीक है, राइस का नाम जानते हो, राइस को क्या कहते हैं हम लोग, राइस को हम लोग यहाँ पे ओराइजा सटाइवा के नाम से जानते हैं, इसके नाम जानते हैं ओराइजा सटाइवा। लेकिन जरा बताना तो क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, ये बताइए बस, क्या ये सही है या फिर ये आपके लिए गलत है, क्विकली बताइएगा, ये मैंने यहाँ पे सही लिखा है या फिर गलत, गलत है ना, राइट, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, चलो मान लिया गलत है। अच्छा अब बताना, अब बताना मेरा सही था कि गलत था, और ये आपसे आपके एग्जाम में आए, ये याद, अब बताओ अब सही है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। अच्छा तो यहाँ पे वंशिका ने सबसे पहले क्लियर कर दिया कि सर यहाँ पे इसको या तो डंडा से सहारा दीजिए वरना बेचारा फिर से लेट जाए, ठीक है, आप सही है ना, राइट। तो ये हो गया आपके लिए एक, दूसरा एक और यहाँ पे इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो हाँ एक और तुलसी से आपसे सवाल पूछा गया है, क्योंकि तुलसी का अभी हाल ही में यहाँ पे जी आई टैग का आपकी बातचीत चल रही है, ठीक है। तो चूंकि आपकी तुलसी क्या होती है, रिलीजियस होती है, ठीक है, पूजी जाती है, तो उसको सेंक्टम कहा जाता है, किसी भी जो पूजने वाली चीज है उसको सेंक्टम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका नाम है वो भी पड़ गया था आपका ऑसिमम सेंटम, क्या पड़ गया आपके लिए, ऑसिमम सेंटम, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए ऑसिमम सेंटम, यहाँ पे फिर से मैं आपके लिए अंडरलाइन, अगर मैं गलत करूँ तो प्लीज पहचानिएगा जरूर। यहाँ पे इसके अलावा अगर बात करें आपसे एक और नाम लिखिएगा जो आपसे पूछा जा चुका है, वो है मेज का, मेज यानी कि मक्का, मक्का को दोस्तों यहाँ पे हम लोग आपका जिया मेज के नाम से जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं जिया मेज के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये हो गया मेज, तुलसी, और इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए क्या हो गया, नेक्स्ट क्या था यहाँ पे, राइस, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे अगर बात करें तो आपसे ओनियन से भी अगर सवाल आएगा तो ओनियन के लिए यानी कि जिसको प्याज कहा है, मक्का हो गया प्याज, प्याज के लिए हो जाएगा आपका एलियम सेपा, क्या हो जाएगा आपके लिए, एलियम सेपा, ठीक। अगर ऑप्शन में दोनों कभी नहीं हो, ये याद रखें कभी नहीं हो सकता, दो नियम है दोनों कभी क्लैश कराएगा ही, ये भी याद रखिए, प्रायोरिटी नहीं होती है, सही होता है, ये भी सही है और ये भी सही है, बस ये जान, कभी नहीं हो, तुम किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, यहाँ पे साइंटिफिक नेम ला के दिखा देना, अगर इनमें से कोई भी एक नाम हो तो जरूर बताइए, ठीक है। अच्छा एक नाम और चूंकि पूछ लेता है क्योंकि वो आपका यूजुअली खाने पीने में इस्तेमाल होता है, उसको पोटैटो कहते हैं, ठीक है, तो पोटैटो का यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, पोटैटो, पोटैटो को जो है हम लोग यहाँ पे आपका सोलेनम ट्यूबरोसम के नाम से जानते हैं, इसके नाम जानते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक, तो ये हो गया सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आपके लिए स्मॉल हो गया, एक और 10 सेकंड्स आराम से देखिए, फिर यहीं से एक सवाल पूछ लेंगे, आप लोग इसको यहाँ पे ट्राई कीजिएगा लिखने का इटैलिक, ठीक है, टेक योर टाइम, कमेंट बॉक्स में इटैलिक में लिखना, इटैलिक कर लेना फिर, ठीक है, देख लो एक बार, क्योंकि मैं नाम पूछूंगा, राइस के लिए ओराइजा सटाइवा, तुलसी के लिए चूंकि वो सेंक्टम होती है, पूजनीय होती है, तो ऑसिमम सेंक्टम होता है, मेज के लिए सेम, देखो मेज के लिए सेम, लास्ट में मेज है तो सिर्फ जिया मेज लगा है, ठीक है। इसी तरह से वीट, वीट जो है एक्चुअली में ये आपका एक संकर प्रजाति, हाइब्रिड समझते हो, यहाँ पे ट्रिटिकम एस्टिवम का मतलब पता है, समझो ये ट्रिटिकेल का मतलब राई होता है, एस्टिवम एक गेहूं की जंगली प्रजाति, तो राई और जंगली प्रजाति को मिला के ये गेहूं जो आप खाते हो वो बना है,
ठीक है, ओनियन का हो जाएगा एलियम सेपा, और वहीं दोस्तों पोटैटो का हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरोसम, बोल सकते हो ट्यूबर था तो ट्यूबरोसम हो गया, ठीक है क्लियर। अब बताइए बता सकते हैं, ठीक है कंफर्म है हो जाएगा, सिर्फ एक पूछते हैं छोटा सा, सब लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए होगा कि नहीं होगा। हो जाएगा डन, कर पाओगे मतलब है कॉन्फिडेंस ना, क्योंकि सवाल तो इसी तरह से आएंगे आपके लिए, कोई अलग से तो कोई बनाएगा नहीं। तो चलिए यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा ट्राई कीजिएगा, उसको बताने का प्रयास कीजिएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आपके लिए जो मक्का था, मक्का का बता दो फटाक से, लेकिन सही लिखना, ट्राई ये कोशिश ये करना कि उसको सही लिखना, आप उसको यहाँ पे आप लोग सही लिखिएगा, ठीक है। ठीक है शाबाश, ठीक है शाबाश। तो यहाँ पे इसको हम लोग जिया मेज के नाम से जानते हैं, ठीक है मशिका। चलिए आगे बात, तो अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो ये जो आपके लिए क्लासिफिकेशन था समझिएगा, हाँ नहीं बेटा एक लोग अपना चेक करो, तो यहाँ पे आपके लिए जो आपके लिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन था तो ये था। अब टिप्पो की बात की, टिप्पो जो है दोस्तों ये आते, और टिप्पो ने यहाँ पे बड़ी ही सिंपल सी चीज कही। टिप्पो ने क्या कहा, टिप्पो ने यहाँ पे दो तरीके से वर्गीकरण किया, ठीक। एक वो जिनके पास ना तो पत्ती थी, ना वो उसमें तना था, और ना ही उसमें कोई बीज था, मतलब वो आपका पौधा लगता ही नहीं था, सिर्फ पौधे के उसका एक नाम की तरह दिया गया, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते चलो ठीक है खेल लो बस, तो इनको भी खेलने का मौका भी दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे थे जिनमें पत्तियां भी दिख रही थी, या फिर उनमें तना भी था, या फिर उनमें यहाँ पे बीज भी आपका बन रहा, तो इन दो आधारों पे उन्होंने यहाँ पे आपका किसका अर्जुन बताओ, किसका एग्जाम्पल बताओ, किसका, इसका ऊपर वाले का अभी बताएंगे, अभी तो खाली मैंने शुरू किया। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ना पत्ती ना तना और ना बीज, ठीक है जरा इसको देखो है कुछ क्या, पत्ती है तना है बीज है, ये थैलस होता है, तना भी नहीं होता ये थैलस होता है, राइट। और देख लो इसमें है कुछ, पत्ती तना बीज कुछ मिला नहीं मिला। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें, तो आपके लिए ना पत्ती ना तना ना बीज, तो इनको यहाँ पर आपका थैलोफाइटा, क्या कहा गया आपका थैलोफाइटा के नाम से जाना, ठीक है। तो ये थे आपके लिए थैलोफाइटा, मतलब ना पत्ती ना बीज और ना तना, राइट। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए ये जो थैलोफाइटा समझिएगा इसका, कि इसके अंतर्गत तीन आपके नाम जोड़े गए, तीन नाम। नंबर वन हो जाएगा आपके यहाँ पे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को यहाँ पे कुछ आपके कंडीशन में दिया गया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपके लिए एल्गी, एल्गी हो जाएगा, और एल्गी से जुड़ी हुई एक बात हमेशा याद रखना, कभी मत भूलना, मैंने आपको शायद आज याद भी कराई थी कि आप एफएम चला दो, आप एफएम चला दो। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया करके आप एफएम चला दो, समझिएगा कि मैंने क्यों लिखा, ठीक है, क्योंकि एल्गी, ए से एल्गी की स्टडी को पी से फाइकोलॉजी कहते, पी से फाइकोलॉजी कहते, वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स, याद नहीं क्योंकि दोनों शब्द एक जैसे, फाइकोलॉजी और दूसरा एक यहाँ पे हो जाएगा। अब बताओ मैंने अगर कहा आपसे कि यहाँ पे माइकोलॉजी, तो बताओ माइकोलॉजी किसका अध्ययन होगा, सोच के देखो जरा, तुरंत दिमाग शार्प दिमाग में चलना चाहिए, माइकोलॉजी किसका अध्ययन कहा जाए। मैंने कहा एपी में ए से एलगी है, पी से फाइकोलॉजी, मैंने एम बता दिया, एफ का मतलब क्या होगा, शाबाश, ठीक है अच्छा बैक्टीरिया, सोचो एम से माइकोलॉजी है तो एफ से क्या, आपको ये सोचना था, राइट। सही जगह पे सही दिमाग लगाओगे तभी यहाँ पे दुश्मन को ढूंढ पाओ, ये समझो, ठीक है। जो कहा अगर तुम अपने ख्यालों में रहोगे तो क्या सुन पाओगे कि आपसे क्या कहा, तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपने दिमाग को शार्प हमेशा रखो, एक ऑफिसर क्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए क्या हो गया यहाँ पे फाइकोलॉजी, ठीक है आगे बढ़ो। तो दोस्तों ये थे आपके, ना तना था ना बीज था ना आपके लिए यहाँ पे पत्ती थी, ठीक है। तो कह सकते हैं बेचारे की जीवन ही खराब था, है कि नहीं, बस यहाँ पे किसी तरह जी रहा, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और बता रहे हैं आपको, जिसमें तना या पत्ती या बीज नहीं होता उसमें हमेशा स्पोर जरूर पाए जाए, उसी से आपका यहाँ पे जो उसका परिवार बनता है, उसका परिवार स्पोर से ही बनता है, दैट्स इट। लेकिन जब पत्ती तना या बीज जैसा कोई शब्द आएगा तो हमेशा यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा ही होगा, चाहे वो छोटा गैमीट बने, चाहे बड़ा बने, चाहे ज़ूस्पोर बने, कुछ मिला के कट रही है। ये क्या था, ये किस पे का मनुष्य, इसमें समझ नहीं पाया क्या क्या मतलब क्या कट रही है। तो यहाँ पे अच्छा अच्छा स्पोर पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वहां कुल मिला के इनकी जो है कट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो गैमीट होगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हाँ हाँ जिंदगी, हाँ हाँ। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे
आपके लिए इसको हम लोग एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये अपना परिवार बना के मानता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एक तरीके से ये भी देखो, ये विदेशी है, इनको स्पोर्ट से ही काम चल जाता है। हम भारतीय हैं, हमें गेमिंग से काम चलता है। ये विदेशी है भारतीय। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे आपके तीन भाग चाहिए, ठीक, तीन भाग। यहाँ पे आपके लिए ब्रायोफाइटा होगा, ब्रायोफाइटा होगा। ब्रायोफाइटा को याद रखिएगा, इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाने वाले सवालों में से। एम्फीबियन उभयचर हिंदी में कहते हैं। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो नेक्स्ट हो जाएगा आपके यहाँ पे, अच्छा तो चार हो, तो यहाँ पे आपके लिए एक और हो जाएगा, इसको हम लोग टेरिडोफाइटा के नाम से जानते हैं। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में यहाँ पे अगर देखें तो थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाता है उसके तने का, राइट। यहाँ पे अभी तक ब्रायोफाइटा में तना नहीं, देखो मेरा गंजापन दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए तो ये हो गया टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा के अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे अब आपके लिए आएंगे राम और श्याम, ठीक है। पहले श्याम आएंगे आपके लिए, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को हम लोग हिंदी में यहाँ पे आपका अनावृत्ति बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृत्ति बीजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वहीं अगर बात करें एंजियोस्पर्म के बारे में तो नोट कीजिएगा, ये जो एंजियोस्पर्म होता है आपके लिए, इसको हम लोग आवृत्ति बीजी के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं आवृत्ति बीजी के नाम से, ठीक है। एक अनावृत्ति हो गई, अवृत्ति, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें आपसे, हाँ अभी एक मिनट, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, जिम्नोस्पर्म छोटा था, बिना कपड़े पहने घूम रहा था, तो नो सीड कवर, नो सीड कवर, ठीक है। बड़ा थोड़ा सा समझदार था तो हमेशा आपका उसकी सीड कैसे रहता है, आपका कवर। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो ये हो गया आपके लिए टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये हो गया टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा आपके लिए जो है इसमें थोड़ा सा तना बड़ा होगा। ब्रायोफाइटा एम्फीबियन, मतलब इनको जोश चढ़ा, तो जोश चढ़ा तो उन्होंने कहा नहीं, हम थल पे भी रहेंगे, हम जल पे भी रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यहाँ पे आपके लिए क्या होगा, एक राम हो गया, दूसरा आपके लिए लखन, ठीक है। नाउ टेक योर 10 सेकंड्स, आराम से पूरे 10 सेकंड देखिए इस पूरे यहाँ पे पेज को। अगर कोई डाउट है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपको लग रही है, या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, प्लीज पूछिए। ये अभी हम लोगों ने सिर्फ स्टार्ट किया है, मैं आपको पहले से कंफर्म कर दूं, अभी काफी कुछ आप लोगों को देखना है इसमें। हाँ बताइए, डन हो गया, आ गया समझ, सवाल पूछ लें, सबको आ गया तो कोई एक सवाल पूछ ले, फिर आगे बढ़े। बता पाओगे हैं कि एग्जाम्पल बता दें? वो तो अभी आगे आएंगे, एग्जाम्पल तो आगे आएंगे, मैं बस यहाँ पे डिवीजन के नाम से ही पूछू। एग्जाम्पल तो अभी पूरा आएगा, बहुत से एग्जाम्पल, एक कौन आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर बात करें, डन है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, सिर्फ मैं एक सवाल पूछूंगा सर, साइंटिफिक नेम लिखने पर हमेशा सिर्फ फर्स्ट ही लेटर कैपिटल होगा? हाँ वंशिका, और क्या। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए, चलो यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है, सिर्फ मुझे ये बता देना कि यहाँ पे जो थैलोफाइटा, जो थैलोफाइटा था, क्या उसमें, क्या उसमें ब्रायोफाइटा को हम लोग शामिल कर सकते हैं या नहीं? यस और नो, दैट्स इट, शाबाश। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे आपका ब्रायो एवं उसको हम लोग यहाँ पे आपका ब्रायोफाइटा के अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। उसको यहाँ पे हम लोग आपका, और सॉरी, ब्रायोफाइटा को शामिल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, वाह, अरे वाह। फिर से देखो, कहाँ है ब्रायोफाइटा बेचारा? अच्छा वाला तो गैमिट अपना परिवार बसा रहा, तुम उसका परिवार तोड़ रहे हो, उसे उसे जो है बस भरोसे की जिंदगी दे रहे हो, स्पोर्ट। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले आपसे एल्गी के बारे में, राइट। एल्गी, एल्गी, एल्गी कई प्रकार की होती है और आपके एग्जाम में कई प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। एल्गी के बारे में अगर दोस्तों बात की जाए तो एल्गी को यहाँ पर अगर कभी छू के देखोगे तो चिकनी लगती है, ऐसी लगती है, सिल्की सिल्की लगती है, ये सिल्क नहीं होता, चिकना जो होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसीलिए इसका एक नाम पड़ा है आपका, पॉन्ड सिल्क और वाटर सिल्क। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पॉन्ड सिल्क और वाटर सिल्क के नाम से जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसको एक नाम दिया गया है आपका, इसको हम लोग यहाँ पे आपका स्पाइरोगायरा, क्या कहते हैं यहाँ पे आपका? स्पाइरोगायरा, राइट। तो ये स्पाइरोगायरा है। लेकिन अब देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक आपको तरीका बता रहा हूँ याद करने का, हमेशा याद रखिएगा कि जो खाना बनाएगा, समझिएगा, जो खाना बनाता है, खाना कौन कौन बनाता है? तो यहाँ पे सिर्फ आपके लिए दो चीजें हैं जो खाना बनाती है, एक प्लांट और एक एल्गी।
तो दोस्तों जब भी यहाँ पे एल्गी या प्लांट का नाम आएगा तो दो चीजें नोट कर लो, इनके पास दो चीजें होंगी ही होंगी। नंबर वन, एक तो इनके पास प्रोटीन होगा, इसीलिए जितने पौधे होते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है, पहली चीज, क्योंकि वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं तो उनको प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है, और वहीं बनाएगा मतलब। और वहीं दोस्तों इसके अलावा इनका जो खाना स्टोर होता है वो यूजुअली यूजुअली देखा गया कि स्टार्च, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे दोस्तों दो चीजें हमेशा याद रखिएगा कि जो खाना बनाएगा उसमें दो चीजें मिलेंगी, जो खाना बना सकता है, ठीक है, तो उसमें एक तो प्रोटीन मिलेगा, दूसरा आपका यहाँ पे स्टार्च मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ो। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे तो ये हो गया आपके, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, खाना बनाता है। अच्छा देखो, अब चूंकि खाना बनाता है तो काफी सारी चीजें आपको दे सकता है, तो एक तो ये पॉन्ड सिल्क हो गया, लेकिन इसके बहुत से यूज है, यूज समझना। यूज में अगर दोस्तों बात करें आपसे तो यहाँ पे ये आयोडीन भी देता है, आयोडीन, जिसके लिए यहाँ पे मोदी जी कह रहे हैं कि आपका भींगा नहीं है। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेमिनेरिया के द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, लेमिनेरिया के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, काई को अगर आप लोगों ने देखा हो तो यहाँ पे दोस्तों काई कई बार जो है ये जानवरों के पीठ पे भी आ जाती है, पानी में रहती है तो काई जम सकती है। तो यहाँ पे जो अलग अलग आपके नाम है, जैसे अगर बात करें आपसे दोस्तों कछुआ, अगर ये कछुए की पीठ पे आ गई, ठीक है, तो अगर ये कछुए की पीठ पे आ गई तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रोटोडर्मा, क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रोटोडर्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं अगर ये आपके पेट में आ गई, सुनना, अगर ये मानव के पेट में आ गई तो मानव के पेट में आ जाएगी तो इसको हम लोग जू क्लोरेला के नाम से जानते हैं, इसके नाम जानते हैं, जू क्लोरेला के नाम से जानते हैं। तो एक हो गया प्रोटोडर्मा, दूसरा हो गया आपके लिए जू क्लोरेला, राइट। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज है अलग से, यहाँ पे कभी अगर आप लोगों ने दोस्तों कहते, जैसे मान लीजिए कि लाइकन, लाइकन का नाम सुना है, लाइकन, लाइकन का नाम सुना है, लाइकन को हम लोग यहाँ पे आपका जो है इंडिकेटर कहते हैं, एनवायरमेंटल इंडिकेटर कहते हैं। एनवायरमेंटल इंडिकेटर का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर कहीं पर भी साफ हवा होगी, इंडिकेटर, साफ हवा होगी, साफ पानी होगा, तभी ये जीता है, ठीक है, वरना ये आपका मर जाएगा, इसको लाइकन कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, आपका लाइकेन कहते हैं, हिंदी में भी आपका इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये जो दोस्तों आपके लिए लाइकेन होता है, समझिएगा, ये इसमें जो है दोस्तों आपका एल्गी, एल्गी पे, एल्गी खाना बना रहा है और इसके ऊपर दोस्तों निर्भर रहने वाला फंगी रहने लगता है, इस पर निर्भर रहने वाला फंगी रहने लगता है। तो फंगी में दोस्तों अगर बात करें आपसे तो आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा क्लैडोफोरा, क्या हो जाएगा आपके लिए, क्लैडोफोरा। और वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे, माफ कीजिए, यहाँ पे एपिडेरिया, ठीक है, तो क्लैडोफोरा यहाँ पे आपका किसके ऊपर रहता है, तो ये एपिडेरिया इसके ऊपर, ठीक है। तो ये है लाइकन और ये साथ में इस तरीके से रह भी लेते, एक खाना बनाता रहेगा कुक की तरह, दूसरा यहाँ पे खाता रहेगा जिंदगी, ठीक है। एक और उदाहरण है, लाइकन का मतलब है एक सामान्य परिवार, लाइकन का मतलब है एक सामान्य परिवार, ठीक है। यहाँ पे एल्गी है माता पिता एल्गी है माता पिता, ठीक है, माता पिता खाना बना के दे रहे हैं, अब बताओ ये कौन ये बताना कौन होंगे, क्विकली बताना कौन होंगे, हाँ ये फंगी कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे तो आपके लिए एक और चीज है, चॉकलेट खाना सबको पसंद है वे कह रहे सर पैरासाइट राइट पैरासाइट नहीं, नहीं ऐसा नहीं, तो पैरासाइट नहीं होते। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, आप लोगों को चॉकलेट खाना पसंद होगा, ठीक है। चॉकलेट में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे उसको जो है ना स्वाद लाना पड़ता है, कई बार कहते नहीं है जैसे पनीर में खमीर नहीं उठा, तो ऐसे चॉकलेट को जब तक अच्छे से फेटा नहीं जाता है तो वो इमल्सिफाई नहीं होता है, वो ऑयल से मिक्स नहीं होता है चॉकलेट, चॉकलेट क्या पाउडर है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे आपका स्लिपरी जो थोड़ा चमकीला बनाना होता है, ठीक है, चमकीला का मतलब स्वाद निखारना होता है। तो स्वाद निखारने को हम लोग यहाँ पे इमल्सिफिकेशन कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे आपका, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफिकेशन का मतलब मैं लिख देता हूँ, स्वाद को अच्छा कर, स्वाद को अच्छा कर। तो ये दोस्तों यहाँ पे अच्छा करने के लिए जो एल्गी आपका यूज होता है उसको हम लोग कॉन्ड्रस के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे आपका कॉन्ड्रस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। तो अब अगर बात करें आपसे तो आपके लिए कई सारे ऐसे भी एल्गी हैं जो कि यहाँ पे नशा करने के काम भी आते हैं, ठीक है, नशा करने के लिए जो आपके काम आते हैं, एक और बताएंगे आपको। यहाँ पे एक तो नशे के लिए यूज होता है टोबैको के रूप में, ठीक है, उसको हम लोग रोडोमेरिया कहते हैं, नोट कर लीजिए। अगर जो चॉकलेट खानी है, चॉकलेट खानी है तो कॉन्ड्रस ले लो, कॉन्ट्रा एल्गी ले लो, ठीक है, उसको उगा लो। तंबाकू खानी है, टोबैको खाना है, तो टोबैको के लिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो आप लोग रोडोमेरिया को यहाँ पे उगा सकते हो, रोडोमेरिया। रोडोमेरिया यहाँ पे आप पूछोगे सर कहाँ पे मिलेगा, राइट, सबसे पहले यही सवाल होगा आपका, सर कहाँ पे मिलेगा, अच्छी चीज है,
तो इसका पैसा बच जाएगा, तो ये आपको स्कॉटलैंड में मिलेगा, तो परेशान ना हो, ठीक है। और वहीं अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर टोबैको के अलावा एक और चीज होती है जो कि यहाँ पे आपका एल्गी उगाता है। देखो यहाँ पे चॉकलेट बना रहा है आपके लिए, आपके लिए टोबैको बना रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एंटीबायोटिक भी होता है, एंटीबायोटिक भी होता है आपके लिए। यहाँ पे अगर बात करें तो इसको हम लोग क्लोरेलिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। टेक योर 10 सेकंड्स, अभी एक नाम आपको और बताएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। आराम से पहले देख लीजिए, फिर आपको यहाँ पे देखो आखिरी नाम बताते हैं जो कि आपका एल्गी से जुड़ा हो। अगर यहां तक कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, जरूर पूछिए। आयोडीन वाला समझ नहीं आया विवेक। देखो जैसे पत्थरों से आयोडीन मिलता है ना, राइट, पत्थरों से हमें पूरा नमक मिल जाता है। जैसे अगर गुजरात में जाओगे तो आपका समुद्र से जो है नमक निकाल लेता है, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन जो होता है, प्योर आयोडीन जो होता है, ये आपके लेमिनेरिया की बॉडी में आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, ऐसे इसके में आपका आयोडीन का यहाँ पे आपका संरक्षण होता है, क्योंकि आपका किसमें रहता है, सागर में रहता है लेमिनेरिया, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए आपका ये लेमिनेरिया भी इस्तेमाल किया जाता है, ये कहा गया, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए अगर अगर क्या है, अगर अगर का इस्तेमाल जो है दोस्तों, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। किस चीज के लिए किया जाता है समझिएगा, तो ये दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी में आपका जो है किसी भी एक तरीके से मीडियम का काम करता है। मीडियम समझते हो, मीडियम का मतलब हो गया, जैसे अगर बात करें आपसे तो हमारे लिए हवा है, हम लोग हवा में जीना पसंद करते हैं, हमें हवा में ही दोस्तों ऑक्सीजन मिल जाती है। जैसे हमारा घर है, राइट, इसको एक अगर अगर को घर मान, घर में क्या खाने को मिल गया, रहने को मिल गया, तो बस यही अगर अगर होता है जो घर है एक बैक्टीरिया की। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों, उसको यहाँ पर आपका रहने को खाने को मिलता है एक अगर अगर की स्लाइड, यानी कि पेड़ आपकी यहाँ पे स्लाइड पे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, कछुआ हो गया, प्रोटोडर्मा हो गया। और कोई क्वेश्चन, और कोई सवाल, आगे देखें, आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, वर्गीकरण हो गया, वर्गीकरण के अलावा हम लोगों ने नाम देखे, अब फंगी की तरफ बढ़ते हैं। फंगी यानी कि आपकी दोस्तों कवक। तो अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि दोस्तों ये दूसरों पे निर्भर है, ठीक है, ये क्या है, निर्भर है। तो दोस्तों ये अपना खाना तो नहीं बना सकता, तो मतलब इसमें आपके लिए जो अगर इसको बात की जाए तो इसमें प्रोटीन नहीं होगा। तो निर्भर है दोस्तों, तो ये आपका पैरासाइट होगा, नोट कर लो। ये क्या होता है आपके लिए, पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट होगा। और प्लस इसके अलावा ये आपका एक क्लोरोफिलस होगा, मतलब यहाँ पे इसके लिए एक क्लोरोफाइलस होगा, मतलब यहाँ पे आपके लिए कोई भी आपका क्लोरोफिल नहीं बनता, मतलब ये प्रोटीन का नहीं होगा, राइट। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे दोस्तों फंगी के बारे में, समझिएगा फंगी जो होता है आपके लिए, फंगी में जैसे मान लीजिए मशरूम है, ठीक, तो ये मशरूम जो है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। नंबर वन, मशरूम क्या हो जाता है आपके लिए, प्रोटीन का सोर्स माना जाता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें आपसे, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके लिए फंगी होता है, फंगी को अगर आप देखेंगे तो आपको कुकुरमुत्ते की तरह, ये तो सबने देखा होगा, राइट, टर्की टर्की टेल तो देखा ही देखा होगा, जेलियर्स आप लोगों ने नहीं देखा होगा, स्टैग हॉर्नी, लेकिन ये देखा होगा मशरूम, ठीक है। मशरूम के अलावा यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो एक और यहाँ पे आपके लिए जो नाम होता है, उसको हम लोग यहाँ पे पेनिसिलियम कॉम्बर्टी के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं, पेनिसिलियम कॉम्बर्टी के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे सर ये पेनिसिलियम कॉम्बर्टी क्या है आपके लिए, समझिएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, ये जो पेनिसिलियम कॉम्बर्टी होता है ना, ठीक है, ये आपके जो पनीर उद्योग है, पनीर उद्योग को यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाला यही पेनिसिलियम कॉम्बर्टी होता है। लोग कहते हैं उसमें ईस्ट डाल दो थोड़ा सा तो पनीर बन जाएगा, हालांकि लोग तो दूध फाड़ भी देते हैं नींबू से, लेकिन इससे भी बन जाता है, ठीक। और दूसरा एक और नाम जो सबसे फेमस आपने सुना होगा, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी से लगातार यहाँ पे आपके दोस्तों सवाल पूछे गए हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो आपके लिए फंगी होता है, ये फंगी का एक आपका रूप है, और ये जो फंगी होता है आपके लिए, ये यहाँ पर आपका चाहे आप इसको कुछ भी दे दो, जैसे उदाहरण दो आप इसको मैदा दे दो, ठीक, समझना, मैदा दे दो ब्रेड बना देगा, जादूगर है। आप इसको अंगूर दे दो, आप इसको अंगूर दे दो, ये वाइन बना देगा, ठीक। इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहां पर आपके लिए एक और हो जाएगा कि आप इसको गन्ने का जूस दे दो, गन्ना, तो ये आपको सिरका बना देगा। सोचो सोचो, अब आप पूछोगे सर ये कहाँ मिलेगा, तो ये आपके आसपास हर जगह मिलता है, अवेलेबल। तो ये हो गया सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। अच्छा एक चीज और यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों जो पहला आपके लिए जो एंटीबायोटिक बना था, पहला एंटीबायोटिक कौन सा बना था जरा बताएंगे,
पहला एंटीबायोटिक आपका कौन सा था? कौन है व्यक्ति जो यहाँ पे फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स के नाम से जाने जाते हैं? पहला जो एंटीबायोटिक था उसका नाम क्या था आपके लिए, क्विकली बता पाएंगे? तो यहाँ पे प्यारे साथियों अगर कहें तो उसका नाम यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा, नहीं, उसका नाम पेनिसिलिन है, समझिएगा, उसको यहाँ पे पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। और ये जो पेनिसिलिन होता है ना, ये दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो एक जो महान व्यक्ति कहे गए वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। शायद इसीलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो शायद इसीलिए यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दोस्तों यहाँ पे आपका 1945 का नोबल प्राइज भी दिया गया, ठीक है। अच्छा अगर बात करें आखिरकार कितना प्रोटीन होता है एक मशरूम में, तो दोस्तों याद रखिएगा 50% से ज्यादा, 53% के अराउंड प्रोटीन होता है आपके एक मशरूम, मशरूम में काफी प्रोटीनेशियस होता है, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल, जरा मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो आपका रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, जो आपका रिप्रोडक्शन होगा वो ये अपनी परिवार को कैसे बनाएगा, ये अपने परिवार को दोस्तों कैसे बनाएगा, जरा फटाफट बताइएगा। दो तरीके होते हैं, ये अपने परिवार को ये फंगी कैसे बनाएगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जैसे तैसे जिंदगी काटेगा तो कैसे काटेगा बेचारा। क्या होगा ना ना, जैसे तैसे जिंदगी काट रहा था, याद करो, दो तरीके बताए थे मैंने, एक तो परिवार बढ़ाने के लिए गैमीट को बना रहा था, और एक जो है तीन यहाँ पे आपके जैसे तैसे, हाँ थैलोफाइटा में क्या था, मैं बैंक सही सोच रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे इसको आपका जो है जो आपका जो रिप्रोडक्शन होता है, एग्जैक्टली विवेक ने सही जवाब दिया, यहाँ पे आपके लिए जो जैसे तैसे जिंदगी काट रहा है बेचारा तो गैमीट नहीं बना पा रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे आपका स्पोर के माध्यम से दोस्तों इसका उत्पादन किया जाता है, स्पोर के माध्यम से, ठीक है, तो स्पोर के माध्यम से यहाँ पे इसका आपका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और होती है, ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझिएगा इसमें सेक्सिस का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, मतलब तुम्हारा हिस्सा तोड़ के, जैसे आलू को काट के अगर यहाँ पे आलू फिर से बना दिया जाए तो वो एसेक्सुअल, वो वेजिटेटिव मेथड कहा जाता है, ठीक है। वहीं जब बीज से अगर यहाँ पे आलू को उगाया जाए तो उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है आपका ये फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होता है, मतलब जो उसके न्यूक्लियाई है ना वो फ्यूज कर जाते हैं, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। घुमा फिरा के बात वही है कि स्पोर के द्वारा ही अपना परिवार बढ़ाएगा, चाहे गैमेट को न्यूक्लियाई से जोड़ ले चाहे किसी से जोड़ ले, वो अपना परिवार जो है इसी तरह से बढ़ाएगा, ठीक है। टेक योर 10 सेकंड्स, आराम से देखो, एक एक शब्द को पढ़ो, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। ये था आपका फंगी, फंगी के अध्ययन को हम लोगों ने क्या कहा था जरा बताइएगा, एम मैंने लिख दिया है, बाकी आप लोग पूरा कर दो, मतलब तक यहाँ पे 10 सेकंड में पूरे का पूरा देखिए, अगर कोई डाउट हो सवाल हो तो पूछिए। क्या सवाल है, ध्यान नहीं दिया, सॉरी, ठीक है ठीक है, हाँ सही, शाबाश, हाँ सही, बोलो क्लियर हो गया ना, एफएम याद आ गया, एफएम बजाओगे तो आंसर पाओगे, यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो ना, सब आ गया पक्का, कोई मतलब सवाल ववाल है ही नहीं, बढ़िया, अच्छी चीज है, गुड, ये अच्छी चीज, ऐसे मैं तुम लोग की जगह होता तो मैं एक आध सवाल जरूर पूछता, ठीक है चलिए आगे बात। तो यहाँ पे अगर बात, ओ हो बेटा स्क्रीनशॉट लिया था, अच्छा गुड, स्क्रीनशॉट लिया था सबने, स्क्रीनशॉट लिया था इसका, नहीं लिया था ना, सब उड़ गया, ये देख रहे हो, देखो कितनी मेहनत की और सब एक साथ खत्म, ये हो जाता है, ठीक है, कॉपी पर नोट कर लिया था, चलिए बस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये था आपके लिए फंगी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे जब इसकी जिंदगी थोड़ी सी अच्छी हुई तो इसने दोस्तों एम्ब्रियो का निर्माण करना शुरू कर दिया, एम्ब्रियो का यहाँ पे अब आपके लिए निर्माण होगा, एम्ब्रियो के निर्माण से मतलब ये है कि दोस्तों अब यहाँ पे आपका फ्यूजन होगा, और फ्यूजन के आधार पे यहाँ पे जो आपका पौधा होगा वो आपके लिए आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं मॉसिस, मॉसिस और लिवर बॉल, मॉसिस में अगर दोस्तों बात करें आपसे तो ये जो मॉसिस होते हैं इन्हीं को आप लोग यहाँ पे ब्रायोफाइटा के नाम से जानते हो, इसके नाम जानते हो, ब्रायोफाइटा के नाम से जानते हो, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे ब्रायोफाइटा, जरा ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपके लिए कली बनी हुई है और ये आपके लिए पूरा तना है और यहाँ पे पत्तियां हैं, प्यारे साथियों जो पत्ती लग रही ना ये राइजॉइड्स, ठीक है, ये राइजॉइड्स,
मतलब रूट का आपका पहले का भाग, ये रूट के दादाजी, दादा रूट यहीं से पैदा हुई थी। ठीक, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, टाइम कम है, तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए ये हो गया आपके लिए ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो देखो यहाँ पे अब ये क्या था, ये दोनों जगह रहता था, ये एम्फीबियन था, ये दोनों जगह रहता था। ठीक है, ये एम्फीबियन था, ये दोनों जगह रहता था, लेकिन दोस्तों अगर बात करें आपसे तो ये फन आपने स्टेबिलिटी ले आया। ठीक, तो ये क्या बन गया, ये आपके यहाँ पे टेरिडोफाइटा बन गया। ये क्या बन गया आपके यहाँ पे, ये टेरिडोफाइटा बन गया, दिखाएंगे आपको। ठीक, टेरिडोफाइटा बन गया। तो अगर आप देखो तो ये जो आपको दिख रही है ये एक्चुअल पत्तियां नहीं है, ये स्टेम का ही एक रूप है, लेकिन इसमें बीज नहीं आया, अभी भी बीज का इंतजार था। तो दोस्तों अपने इसने स्टेबिलिटी को बढ़ाया और यहाँ पे आपके इसके दो बच्चे हुए, एक राम दूसरा लखन। लखन को अगर आप देखेंगे तो देखिए दोस्तों, ये देखिए बिना कपड़ों का घूम रहा, बीज है ये बिना कपड़ों का घूम रहा। ठीक, और ये लहजे के साथ, ये देखिए इसका बीज कितना अंदर बैठा हुआ है, सुसज्जित ढंग से, खूबसूरत ढंग से। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए इसको जो आप नाम दोगे, या इसको नाम नोट कर लेना, इसको चिलगोजा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, चिलगोजा कहते हैं। चिलगोजा समझते हो क्या होता है, चिलगोजा जो है दोस्तों इसको हम लोग ड्राई फ्रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, ड्राई फ्रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपके लिए चिलगोजा, जिम्नोस्पर्म के ड्राई फ्रूट के नाम से जानते हैं। ये ड्राई फ्रूट है वाकई, लोग इसको खाते हैं, शायद आप लोगों ने ना खाया हो चिलगोजा, खाया किसी ने चिलगोजा? चिलगोजा यूजुअली जो है ना, ये उन लोगों को दिया था ना जिनको जिनको शरीर की गर्मी चाहिए होती है, शरीर मतलब वो वाली गर्मी है, ठंडक वाली। ठीक है, यहाँ पे जिनको ठंडक से अगर यहाँ पे निजात चाहिए होती है तो वो ये चिलगोजा खाते हैं, इसमें गर्मी होती है चिलगोजा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए ये हो गया जिम्नोस्पर्म हो गया। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे अनावृत्ति बीजी कहते हैं, रोक कर लीजिए, अनावृत्ति बीजी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसको हम लोग यहाँ पे आपका आवृत्ति बीजी के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं, आवृत्ति बीजी के नाम से जानते। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें, ये है देखो, ये है आपका एम्फीबियन यानी कि ब्रायोफाइटा, ये है आपके लिए एम्फीबियन यानी कि ब्रायोफाइटा। यहाँ पे एक चीज जरा नोट कीजिएगा कि अगर आपसे पूछ ले, बाय चांस पूछ ले, ये सब ब्रायोफाइटा ही आपको दिख रहा है, देखो स्पोर्स है। ठीक है, लेकिन अब होगा क्या, ये जो स्पोर्स है दोस्तों, ये अब आपके आगे जाकर के फ्यूज होके गैमेट का निर्माण करेंगे, ये भी होगा। तो यहाँ पे ये जो होते हैं आपके, इसमें आप सवाल पूछा था फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है। तो ये जो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा है, नोट कीजिएगा, यहाँ पे आपके लिए जवाब हो जाएगा एस आर कश्यप। क्या नाम हो जाएगा आपके लिए, एस आर कश्यप। तो एस आर कश्यप जो है आपके, ये फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा कहेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा ब्रायोफाइटा, देखो तो ज्यादा सवाल तो बनते नहीं है, तो पूछ लेगा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा, इतना सवाल पूछ लेगा। तो यहाँ पे आपके लिए जो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा हो जाएगा उसका नाम होगा जुआप्सिस। क्या नाम होगा उसका, नाम उसका नाम होगा आपके लिए जुआप्सिस। ठीक है, और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा के बारे में, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा के बारे में, तो नोट कीजिएगा, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा हो जाएगा आपके लिए डेकोनिया। लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा क्या हो जाएगा आपके लिए, डेकोनिया। ये दो नाम, जुआप्सिस और डेकोनिया, यहाँ पे दोस्तों आपके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यहाँ पे ब्रायोफाइटा के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर बात करें आपसे, चूंकि ये एम्फीबियन है, समझिएगा, चूंकि ये आपके लिए एम्फीबियन होता है, तो एम्फीबियन की यहाँ पे एक खास बात कि भले ही ये स्पोर्स आपको हवा में दिख रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये जो स्पोर्स होते हैं कैप्सूल में, इनको यहाँ पे वाटर चाहिए होता है फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन चाहिए होता है। और वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे, चूंकि ये जल और थल दोनों में, देखो यहाँ पे हवा में उड़ रहे हैं लेकिन इनको पानी भी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें उदाहरण के बारे में, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए आ जाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ दिया नहीं है क्या, ये तो जिम्नोस्पर्म हो गया, ये टेरिडोफाइटा आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों उदाहरण में आपके लिए एक तो आ जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग स्फेग्नम। ये देखो कितना बड़ा होता है, ध्यान से देख रहे हो ये कितना बड़ा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम लोग आपका स्फेग्नम के नाम से जानते हैं। ये स्फेग्नम, स्फेग्नम ये मॉस है, मॉस ये आपका जो है जल और थल में रहेगा, ये इसका राइजोइड्स, ये देख रहे हो ये राइजोइड्स। ठीक है, ये देखो, ये देखिए, देख लो, हाँ, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा हो जाएगा आपके लिए, वो हो जाएगा डेकोनिया, और सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपके लिए जूऑप्सिस। ठीक है, तो ये,
अच्छा अगर बात करें यहाँ पे आपसे ब्रायोफाइटा के बारे में, तो समझिएगा ब्रायोफाइटा जो होता है आपके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ऐसा दिख रहा होगा, झाड़ी की तरह दिखता होगा राइट, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ये आपका इसको अगर सुखा दो राइट, इसको अगर सुखा दोगे तो ये कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा, ऐसे गोबर जैसा है, गोबर जैसा ही लग रहा, सूखा गोबर लग रहा, सूखा गोबर। तो ये आपका एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम आता है, इससे यहाँ पे जो एस्किमोज होते हैं ना, जो आपके पर्वतों में रहते हैं, वो यहाँ पे आपका लैंप जलाते हैं। तो ये हो गया आपके लिए यहाँ पर स्फैग्नम, इसको यहाँ पे हम लोग आपका पीट पीट मॉस यही है, पीट मॉस यही होता है ब्रायोफाइटा, जो आपका जल और थल दोनों में रहता है। और नाम जरा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा यहाँ पे, एक दो उदाहरण और लिख लीजिएगा, एक तो रिक्सिया हो गया, एक तो रिक्सिया हो गया, दूसरा हो गया मार्सिनिया, दूसरा हो गया यहाँ पे आपकी मार्सिनिया। ठीक है चलिए, अब यहाँ पे फटाफट आपको दो नाम और दिखा देते हैं, एक तो ओ हो ये भी गया, एक तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा, एक तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइटा में सिलेजिनेला। समझिएगा यहाँ पे अगर आप ये नाम देखो सिलेजिनेला, तो ये आप लोगों ने दोस्तों लगभग लगभग हर घर में ये एग्जाम्पल देखा होगा। जी हाँ, ये सिलेजिनेला एक्चुअली में आपका यहाँ पे जो है शो के लिए रखा जाता है, शो ऑफ के लिए, क्या कहते हैं, शोकेस के लिए रखा जाता है, दिखावट के लिए। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो इक्विस एटम है ना, ये रख, ये इसको रख लो अपने घर, क्योंकि ये सोने देने वाली मुर्गी है, मतलब इससे सोना निकाला जाता है, इससे इससे सोना निकाला जाता है। ठीक, और वहीं अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो ये है आपके लिए ड्राई ऑप्टेरिस, ये क्या हो जाएंगे आपके लिए ड्राई ऑप्टेरिस। तो ये जो ड्राई ऑप्टेरिस होते हैं, ये भी यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए ट्रेडोडोफाइटा के यहाँ पे आपके उदाहरण, एडियंटम हो जाएगा एक आपका उदाहरण। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे जो आपके लिए एक और होता है टेरिडियम, ठीक है टेरिडियम, तो यहाँ पे अगर बात कर, जैसे ये ड्राई ऑप्टेरिस है, ये भी टेरिसी, सोना कैसे निकलता है इससे, ये तक अभी तक मैंने सही बात ध्यान नहीं दिया इसको, एक बार देखा जाएगा इसको, है ना, इसकी सेटअप से देखते हैं कैसे निकलता है एक्चुअली, क्योंकि सोना निकालने के यूज आता है इसकी सेटअप, ये जान लो। ठीक है, एक बार देखा जाएगा इसका मेथड क्या होता है, मेथड आपने अच्छा याद किया। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे एक और नाम होता है लाइकोपोडियम, नोट कर लो लाइकोपोडियम। और ये जो लाइकोपोडियम होता है ना आपका, इसके द्वारा यहाँ पे आपकी दवाइयां यानी कि मेडिसिन बनाई जाती है, दवाइयां यानी कि मेडिसिन बनाई जाती है। तो ये तो हो गया आपके लिए टेरिडोफाइटा। इसी तरह से आपके लिए यहाँ पे ये होता है, इसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, देखो ध्यान से देखना जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे मैं आपको जो भी दिखाऊंगा सीड हमेशा नेकेड ही मिलेगा, ठीक है, नेकेड मतलब बिना कपड़ों का, ये देखो बिना कपड़ों का घूम रहा, ना शर्म ना हया, ये बिना कपड़ों का घूम रहा, देखो ये देखो इसमें, तो इसमें ये देखो ये वाला बिना कपड़ों का ऐसे नंगे पुंगे घूम रहा है। ठीक है, तो ये जिम्नोस्पर्म है, ये छोटे भैया। इसमें एग्जाम्पल जामिया, जिंको बाइलोवा, पाइनस। लेकिन आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, अब देखो मैं दो नाम बताऊंगा, देवदार, चीड़, बोलो समझ में आ रहा है, देवदार हो गया, चीड़ हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारे नाम है, जैसे अगर आपसे बात की जाए, अच्छा एक चीज और, टेरिडोफाइटा को हम लोग यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो इसका एक और नाम होता है यहाँ पे, इसको जो है हम लोग आपका जो है स्नेक भी कहते हैं, जूलॉजिकल स्नेक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए एक और हो जाएगा पाइनस, पाइन जो होता है साइकस, जिसको कहा जाता है साइकस, सबसे लंबा पेड़ होता है सिकोया, सिकोया ये भी एक होता है। तो ये हो गया आपके लिए जिम्नोस्पर्म, और ये अंत में चलते चलते ये है एंजियोस्पर्म, खूबसूरत सा दिखने वाला, रियली ब्यूटीफुल ना। तो देखा कितना समय लग गया यहाँ पर एक बैक्टीरिया को एक पौधा बनने। तो दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी सफर आसान नहीं राइट, हर सफर की अपनी एक कहानी है, हर सफर में कोई ना कोई स्ट्रगल। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टेबल रहना है। जैसे देखो, तो ब्रायोफाइटा, अगर ब्रायोफाइटा रहता तो वो आपका स्टेबल नहीं हो पाता, तो आगे नहीं बढ़ पाता। जब वो स्टेबल हो गया थल पे आकर के, फिर वो यहाँ पे दोस्तों अपना आगे बढ़ने लगता है राइट। तो कैसी लगी आज की स्टोरी, बढ़िया थी, कुछ समझ में आया? हाँ जी राइट चलिए, तो अब फिलहाल के लिए अब मेरे जाने का हो गया है समय, फिर से यहाँ पे आएंगे, फिर से कुछ नई बातें करेंगे, कुछ यहाँ पे दोस्तों मस्ती करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून।